चलिए, आज टेस्ट पेपर एक आया हुआ है मेरे पास, कुछ लोगों का कहना है इसको बना के थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सर, थोड़ा सा भला हो जाए। आई थिंक ये टेस्ट पेपर शायद एलन आकाश या रेजोनेंस में से किसी, फिटजी में से किसी एक का है। चलिए, इसमें टेस्ट में दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का टेस्ट है। चलिए मैं इसको पूरे सॉल्व करता हूँ, आप लोग बस देखते जाइए कैसे। किसी किसी को सॉल्व करना है स्टॉप करें वीडियो, सॉल्व करें उसके बाद से सॉल्यूशन देखें, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड। इंट्रोपी पूछ रहा है ना, इंट्रोपी का फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसके लिए इंट्रोपी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इंट्रोपी इज इक्वल टू 2.303 nR। टी नहीं होता है क्योंकि डेल्टा एच बाई टी होता है, तो टी और टी कट जाता है, तो लॉग फाइनल इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे 10, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 1, तो यहाँ पे 10 पुट करूँगा, यहाँ पे 1 पुट करूँगा, ये वैल्यू खट खट की आवाज़ से परेशान मत होइए, पढ़ाई करते जाइए। 10 और 1 आ जाएगा, लॉग 10 1 आ जाते हैं, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू 2.303, एन का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू, आर रखने हैं, आर का वैल्यू 8.314 रखने हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है 8 × 3 = 24, 3 × 9, 8 × 3 = 27, 19.15 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसके साथ मैं चलूँगा, आंसर्स कहाँ है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलूँगा, इफ़ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 दिया है, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 लिख लेते, BaCl2, ठीक है, सॉलिड को एक्वस में डिजोल्व किए हैं, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बन गया BaCl2 एक्वस, ठीक है। अब बोल रहा है BaCl2 इंटू 2H2O का इंथैल्पी, तो BaCl2 इंटू 2H2O का एक्वस किए, एक्वस इंथैल्पी दिए ना सॉल्यूशन का इंथैल्पी, तो ये बन गया BaCl2 इंटू 2H2O एक्वस। पूछ रहा है इसका एक्स दिया हुआ है -x, ठीक है, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा इधर पेज चला गया, ओ माय गॉड, इसका दिया हुआ है -x, इसका दिया हुआ है -y, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड हाइड्रेशन ऑफ BaCl2, आप लोग पास क्वेश्चन होगा ना, तो BaCl2 का हाइड्रेशन करना, हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ इसको रिएक्शन कराना, तो क्या बन जाएगा BaCl2 इंटू 2H2O। अभी मेरे को ये एरो के इस साइड में है, ये वाला टर्म बताया था ना, एरो के इस साइड में ये वाला टर्म लाना है, लेकिन दिया किधर, एरो के इस साइड, मतलब इस पूरे इक्वेशन को माइनस से गुना कर लें तो ये प्लस होने के लिए इधर जाएगा, हम जोड़ लेंगे, मतलब इसको मैं माइनस में लूँगा, तो ये -y, ठीक है। ये BaCl2 मेरे को एरो को इधर चाहिए और ये एरो को इधर ही दिया हुआ है, मतलब इस पूरे टर्म को मैं पॉजिटिव साइन लूँगा, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को पॉजिटिव साइन लूँगा, तो -x पॉजिटिव के साथ लेंगे, तो -x ये हो जाएगा -x + y, मतलब y - x, तो यहाँ से ऑप्शन के साथ जाएंगे y - x के साथ, ठीक है। आगे देखेंगे, द हीट इवॉल्व बाई कंबसन, कम्बसन ऑफ 1.6 ग्राम, देखो एक मोल का कम्बसन जो हो रहा है, हीट ऑफ कम्बसन ऑफ मीथेन इस इतना पर मोल, -x दिया हुआ है पर मोल का, ये है कितना मोल आखिर, 1.6 ग्राम का निकलना, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, तो मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट पता है ना, CH4 का, CH4 कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4 = 4, तो 12 × 4 = 16, ठीक बा, तो 16 डिवाइड कर लेंगे, ये बन जाएगा 0.1 मोल, तो 0.1 मोल के लिए कितना, तो इंटू 0.1, ठीक है, मतलब x/10, ठीक है, आंसर खोज लेना। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, देखना 0.1 मोलर 100 mL HCl मिक्सड विथ 0.2 मोलर 200 mL NaOH, तो NaOH का, तो पहले तो NaOH लिखेंगे, तो NaOH का मेरे पास मोल है 0.2 इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल, ये पिछले कितने वीडियो से बताते आ रहा हूँ, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम, तो मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे NaOH का मोलारिटी दिया 0.2 × 200, ये मिली मोल है, तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.04 मोल्स OH माइनस मेरे पास मिला, और HCl का कितना मिला, ऐसे ही कर लेंगे 0.1 × 100 / 1000, ये आ जाएगा 0.01, ठीक है।
तो 0.01 H प्लस है, तो इसका 0.01 इसके 0.01 से ही रिएक्शन करेगा, तो कितना हीट निकलेगा। ये बोल रहा है एक मोल अगर OH एक मोल H से रिएक्शन करे तो जो हीट निकल रहा है वो 57.1 किलो जूल है एक मोल के लिए। तो 0.01 मोल के लिए तो 0.01 इंटू 57.1 तो ये हो जाएगा 0.571 किलो जूल। जूल में देना हो तो 571 जूल। तो इसमें देख लेंगे आंसर किस में दिया है, किलो जूल में दिया है, 571 के साथ नहीं जाके इसके साथ जाना होगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन दिस विल बी एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, एच दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम के लिए, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस नहीं कर सकते क्या, तो एट इक्विलिब्रियम टी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच है 60,000 किलो जूल दिया है, 60,000 जूल, और ये दिया है 200 जूल। दोनों कट करेंगे कितना आ जाएगा, आई थिंक 300, ठीक है, बच जाएगा केल्विन बच जाएगा। ठीक, तो केल्विन जब आएगा तो इसको केल्विन में तो दिया नहीं, अच्छा डिग्री सेल्सियस, ठीक है उसका भी उपाय कर लेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन को चेंज कर लेंगे, 273 माइनस कर लेते हैं ना, ये तो पता होगा, ये नहीं बताऊँगा। ठीक है, डेल्टा एच नॉट एफ फॉर्मेशन किसका जीरो नहीं होता है, डेल्टा एच प्लस एक्वस में होता है क्या, अच्छा होता है, तो डेल्टा एच प्लस कहाँ होता है, एक्वस में ही होता है, गैसियस स्टेट में तो पाया नहीं जाएगा, एच प्लस आयन होता है ना एक्वस में, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट में पाया जाता है, वेरी गुड, Cl2 गैस होता है, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज होता है, हाँ ऑल ऑफ दीज होता है, ठीक है। ए प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर, ऑल द टेम्परेचर मतलब कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा, इसका मतलब डेल्टा जी ऑलवेज क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव, मतलब हमारे पास फॉर्मूला है एच माइनस टी डेल्टा एस, इसी का वैल्यू होता है जी डेल्टा जी, ये पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये टर्म जो होना चाहिए वो निगेटिव हो जाए और ये टर्म पॉजिटिव हो जाए, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता ये दोनों टर्म मिला के, क्योंकि ये टर्म अगर निगेटिव हो जाए तो ये निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाए तो कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ऑप्शन थ्री के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा तो मे बी इसका टेम्परेचर कम कर दे, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑल टेम्परेचर्स, तो मे बी इसका टेम्परेचर कम कर दे तो एच बड़ा हो जाए, तो माइनस वाला साइन बड़ा हो जाए तो ओवरऑल डेल्टा जी निगेटिव आने लगेगा, तो फिर गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, सेलेक्ट द प्रोसेस फॉर विच एंट्रोपी चेंज इज़ पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज इज़ पॉजिटिव मतलब इधर जो गैसेस बने उनके ज़्यादा से ज़्यादा मोल हो एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन तब करेगा ना जब गैसियस प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ देखो ये सॉलिड है तो इसका तो एंट्रोपी घट गया, ख़त्म हो गया, ये गैस है इसका एंट्रोपी बढ़ा होगा, ये गैस है इसका एंट्रोपी बढ़ा होगा, ये सॉलिड है ये तो कट गया, तो बचा दो ऑप्शंस। दो ऑप्शंस में देखेंगे, इधर पहले दो मोल गैस थे, अभी भी दो मोल गैस हैं, तो एंट्रोपी क्या हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, दो मोल पहले भी एंट्रोपी कर रहे थे, अभी भी दो मोल कर रहे हैं, पहले ये तो सॉलिड है ये तो हटा देंगे, एक मोल था अब दो मोल हो गया, मतलब एंट्रोपी इसका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, गैसेस का एंट्रोपी मतलब रैंडम मोशन इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए एंट्रोपी उसका इंक्रीज़ बोलते हैं। यहाँ देखेंगे डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू ना, ये डब्लू कहाँ चला गया, अगर यही है तो फॉर्मूला डब्लू ज़ीरो हो गया होगा, यही मान के चलेंगे, तो जब डब्लू ज़ीरो हो गया तो डब्लू ज़ीरो किसके लिए होता है, डब्लू का फॉर्मूला डेल्टा एन जी आर टी, एन आर टी होता है ना फॉर्मूला बे, यही है डेल्टा एन जी आर टी, एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस एटम के डिफरेंस, मतलब इधर में दो मोल्स ऑफ गैस हैं इधर में एक मोल्स, तो डेल्टा एन जी कितना हो गया वन, ये ज़ीरो होगा तभी नहीं ये टोटल टर्म ज़ीरो होगा, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू ज़ीरो चाहिए, तो यहाँ पे टू मोल्स यहाँ वन मोल्स, टू माइनस वन इसका डेल्टा जी वन है, इसका डेल्टा एन जी इधर टू है इधर फोर है, 3 1 4 तो इधर हो जाएगा माइनस टू, इसका डेल्टा एन जी निकाल लें, इधर है वन, ये सॉलिड का नहीं गिनते हैं गैस का गिनते हैं, डेल्टा एन जी, जी मतलब गैस, इसका हो जाएगा वन इसका ज़ीरो, तो वन हो जाएगा इसका, देखो इधर वन इधर वन तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ऑप्शन के साथ जाएंगे। लिखेंगे द वर्क डन बाई वन मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर द गैस 1 लीटर to 2 लीटर, ये सब क्वेश्चन तो तुम लोगों को कर लेना चाहिए ना अब, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि वन मोल गैस है
वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉक वी टू बाई वी वन। तो वी टू बाई वी वन, वी टू कितना दिया है 2 1, तो ये हो जाएगा टोटल 2 2 बाई 1, लॉग 2 का वैल्यू 0.30, मतलब ये हो जाएगा 2.303 इनटू 1 मोल के लिए दिया था 1, आर का वैल्यू आर के फॉर्म में ही आंसर लेना है, तो आर टी का वैल्यू 300 इनटू और लॉग 2 का वैल्यू 0.3। इस तीनों को इनटू कर 3 3 के 9, 9 दुनिया 18, ठीक है, मतलब 3 3 के 9 ये हो जाएगा 90, ठीक है, और इनटू 2 दुनिया 18 19 197.25, ऑप्शंस में यही अप्रॉक्स में आ रहा है, 18 ने 19 थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। इस ऑप्शंस के साथ जाएंगे, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन डेल्टा एच फॉर्मेशन। डेल्टा एच फॉर्मेशन किसके लिए होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड विथ इट्स, समझना, विथ इट्स नेटिव स्टेट्स, मतलब जो है उनका नेटिव स्टेट होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट होना चाहिए, और 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन, 1 मोल, इसमें 2 मोल बन रहा है तो ये तो पहले ही गलत हो गया, बाकी सारा 1 मोल बन रहा है। अब कार्बन डायमंड नहीं होता है, नेटिव स्टेट में नहीं है, ये ग्रेफाइट में होना चाहिए, तो ये गलत हो गया यहाँ से। बोरोन सॉलिड में नहीं, बोरोन गैस में होना चाहिए, ये भी गलत हो जाता है। CO SO2 सॉलिड सलग सॉरी गैस है, तो ये सही है, SO2 गैस होना चाहिए, O2 गैस होना चाहिए, ये बनना चाहिए, सही है, 1 मोल का फॉर्मेशन हो भी रहा है, सही दिया। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया है इसका, डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया है इसका, दोनों दिया है, तो डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है। डेल्टा एच रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, फॉर्मूला तो पता ही होगा, प्रोडक्ट का दिया है, ये वाला प्रोडक्ट बना है ना, 2 मोल, तो 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 into 186 माइनस में, ठीक है, माइनस सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कितना है, ये है ना रिएक्टेंट, तो 188, तो 2 into 188 माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 196 माइनस में, 196 सोच के मार लेंगे, ये देखो ना, इसको ऐसे आराम से कर सकते हो, 286 में से 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स है, तो 286 में से 186 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा ना 100, और 2 टाइम्स है तो 100 into 200, अब ऐसे 86 में से 88 घटाएंगे तो 100 नहीं आएगा, उसका माइनस 2 आएगा, तो 2 2 4 4 और माइनस करेंगे 196 आ जाता है। तुम लोग भी डायरेक्टली ऐसे ही करने के लिए सीखो, ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं हर पढ़ा गया हूँ, ठीक है, आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, शायद इसका 3 वीडियो बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन 45 हैं टेस्ट के तुम लोग के, ठीक है, देखना आराम से, जहाँ नहीं समझ मैं रुका के बैक करके आराम से देखो ना, फिर टेंशन किस बात। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोले थे वो प्रॉपर्टी जो इंटरनल फैक्टर पर डिपेंड करे, मतलब एक्सटेंसिव मतलब बाहर के प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे, जो बाहर से बांटने से ना बटे, उसको बोलेंगे इंटेंसिव। विच ऑफ फॉलोइंग अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? वॉल्यूम, वॉल्यूम बांटने से बटता है क्या? हाँ वॉल्यूम है, बांट देंगे V/2 V/2। इंटरनल एनर्जी बांटने से बटेगा, इनथैल्पी बांटने से बटेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये बांटने से बटता है। अब इसमें से जो बांटने से बट जाए वो है इंटेंसिव, सॉरी एक्सटेंसिव, जो बांटने से ना बटे वो है इंटेंसिव, यही तो थ्योरी था। तो इसमें यही क्यों, ये इससे बहुत ज़्यादा हैं, सारे को कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टॉपिक को क्वेश्चंस मत समझो, इस टॉपिक को आंसर बनाओ, और ये जितने NCERT में लिख दिया उतना तो याद ही रखो, ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक। इसके बाद बॉम्ब कैलोरीमेट्री दिया है, बॉम्ब कैलोरीमेट्री क्या होता है? बॉम्ब कैलोरीमेट्री मतलब एक फिक्स्ड कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या होता है? 0। और बॉम्ब कैलोरीमेट्री इनथैल्पी के बारे में हमको बताता है, इनथैल्पी चेंज के बारे में। अच्छा यहाँ इनथैल्पी चेंज नहीं दिया, ओ तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू 0 है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू ही ना डेल्टा यू होगा, तो यहाँ पे तो डेल्टा यू ऑप्शन में है मेरे पास, तो इसको मैं टिक मार के आगे निकलूंगा। यहाँ पे है इक्विलिब्रियम HA NaOH दिस कंपाउंड, इसको मैं अगले वीडियो में बताता हूँ, हिंट दे देता हूँ इसका कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू KA/KW, ये फॉर्मूला बनाएं, आराम से बनेगा, ये हाइड्रोलिसिस से आया था फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे KW होता है 10 to the power -14, यहाँ दिया है 10 to the power -6, ये हो जाएगा 10 to the power 8, प्लस में याद रखें, ठीक है, अगले क्वेश्चन से बताता हूँ अगले